क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है 1-2 4, 2-1 3, 4-2 0 इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, देन फाइंड द वैल्यू बी इनवर्स. अगर ये मैट्रिक्स ए है वो एडजॉइंट ऑफ बी है, मतलब ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी है, तो आपको बी इनवर्स निकालना है. ठीक है जी. अब देखो जो बी इनवर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 अपॉन में बी का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी, और एडजॉइंट बी की वैल्यू इक्वल टू किसके है, ए के. तो यहाँ पे अब आपको बी का डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट भी हम इसकी हेल्प से निकालते हैं. भाई ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट. ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू में माइनस का 0 माइनस का 6 प्लस का 2 इंटू में यहाँ पे आएगा आपका 0 माइनस का 12 प्लस का 4 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू एडजॉइंट बी. क्या होगा एडजॉइंट बी, होगा बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन. ऑर्डर 3 है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया. अभी हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 24 प्लस का 32 इज इक्वल टू बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर. यह आ गया 2 इज इक्वल टू बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का 2. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में प्लस माइनस का 2 ए. यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट भी आएगा, यहाँ पे रूट और लगा दो तो प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट 2 ए. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है.